ये फ्लिन मार्बल 5.6 किलोवाट 48 वोल्ट का इन्वर्टर है। ये देख रहे हैं, ये लाइट दिख रही है आपको, ये सर्कुलर रिंग जो दिख रही है। इसका पैनल जो है ये टच पैनल है, ये जो कीज़ है इसके ये टच कीज़ हैं, ठीक है। ये इसकी एलसीडी है, एलसीडी में ये सारे पैरामीटर शो करता है। इस इन्वर्टर पे हमने कल टेस्ट किया था, ये कल हमने लगाया था। इस इन्वर्टर पे हमने 1.5 टन के 3 एसी चलाए थे। तो ये बड़े आसानी से हैवी लोड्स जो हैं आपके, वो सारी चीज़ों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रियांक और आप देख रहे हैं प्रियांक कम्युनिकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हमने यहाँ मुरादाबाद में एक सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है जो ये ऑफ ग्रेड है, और यहाँ पे ये लगा हुआ है फिलिन का इन्वर्टर है। ये अभिषेक भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं, तो इन्वर्टर के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना और बहुत ज़्यादा ध्यान से भी देखना, क्योंकि ये वीडियो है ना बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे एसी वगैरह, गीजर वगैरह और लगभग काफ़ी सारे अप्लायंसेस हैं जो हैवी लोड के हैं, और इसी बेस पे आके यहाँ पे ये फिलिन मार्बल 5.6 किलो, तो यहाँ पे फिलिन का इन्वर्टर लगाया है। इसकी पूरी प्रोडक्शन लगी हुई है, यहाँ नीचे चार बैटरियाँ लगी हुई हैं, तो सारी चीज़ हम वन बाई वन दिखाने वाले हैं अभी। नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ मुरादाबाद में, और हमने यहाँ पर एक सिस्टम इंस्टॉल किया है जो कि अगर हम डीसी साइड की बात करें तो हमने यहाँ पर 525 वाट के 8 पैनल यूज़ किए हुए हैं, जो कि 4200 वाट पावर जनरेशन का है मैक्सिमम। और ये जो है ये हमारा इन्वर्टर है, ये फिलिन मार्बल 5.6 किलोवाट 48 वोल्ट का इन्वर्टर है, ऑफ ग्रिड इन्वर्टर है। इसमें जो है हम केवल ऑफ ग्रिड यूज़ के लिए कर सकते हैं। अभी आप इसमें ये देख रहे हैं, ये लाइट दिख रही है आपको, ये सर्कुलर रिंग जो दिख रही है। इसका पैनल जो है ये टच पैनल है, ये जो कीज़ है इसके ये टच कीज़ हैं, ठीक है। ये इसकी एलसीडी है, एलसीडी में ये सारे पैरामीटर शो करता है। ये साइड जो है ये वाला पैरामीटर आपका सोलर जनरेशन शो कर रहा है, ये वाला पैरामीटर आपका आउटपुट शो कर रहा है, ये वाला पैरामीटर आपका जो है इनपुट, ग्रिड का जो इनपुट आ रहा है उसको शो करेगा। ऊपर वाला जो पैरामीटर है वो बैटरी वोल्टेज और बैटरी के पैरामीटर को शो करेगा। ये जो रिंग है ये एक्चुअली में क्या है, इस इन्वर्टर में एक फैसिलिटी है, इसमें एक टाइमर दिया हुआ है। इसमें 3 टाइम के लिए हम सेट कर सकते हैं हम कौन सा मोड यूज़ करना चाहते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं दिन में इसको SBU मोड, मतलब सोलर बैटरी यूटिलिटी में अगर यूज करना चाहते हैं तो उतने टाइम से उतने टाइम तक एक कलर का लाइट जलेगा, तो ये SBU मोड में चलेगा। अगर हम कुछ टाइम के बाद इसमें चाहते हैं, दोपहर के बाद 12 बजे के बाद हम इसको SUB मोड में लेके आए, सोलर यूटिलिटी बैटरी, तो इसमें अलग कलर का लाइट जलेगा। तो इस लाइट से हम देख के बता सकते हैं कि हमारा इन्वर्टर किस मोड में चल रहा है। जैसे अभी ये ब्लू लाइट है, ये इन्वर्टर हमारा SBU मोड में चल रहा है, सोलर बैटरी यूटिलिटी, ठीक है। इस इन्वर्टर के अब हम नीचे की तरफ जब आएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये बैटरी MCC भी है, ये हमने बैटरी को कनेक्ट करने के लिए लगाई हुई है। इस इन्वर्टर में बैटरी को डायरेक्ट कनेक्ट नहीं किया जाता है। ये 50 square mm की केबल आप देख रहे हो यहाँ पे, जो हमने दिया हुआ है 4 बैटरी दी हैं लीडर की 240 AH की, ये 240 AH की 4 बैटरी हैं ये। तो क्या है कि इस इन्वर्टर पे हम 4 बैटरी इनिशियली हम लगाते हैं, और इसका जैसे बड़े लोड की डिमांड है, बड़ा बैकअप चाहिए, तो इस इन्वर्टर में हम जो है 24 बैटरी तक लगा सकते हैं। इसमें ये इन्वर्टर लिथियम आयन कॉम्पेटेबल भी है, इसमें लिथियम आयन बैटरी लगा सकते हो, जैसे फाइलनटेक है या और भी कोई कंपनी है, यूजर डिफाइंड कोई आपकी लिथियम आयन है वो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें BMS का पोर्ट भी दिया हुआ है यहाँ पर, अभी ये नीचे की तरफ आप देखोगे यहाँ BMS का पोर्ट है, और ये पैरेलल ऑपरेशन भी इसमें होता है। ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये BMS के पोर्ट हैं, इसमें इनबिल्ट BMS है, इसको हम जो है अपना लिथियम आयन बैटरी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह के हम आपस में 9 इन्वर्टर कनेक्ट कर सकते हैं। अगर इनकेस हमारे को डिमांड है कि हमारा लोड जो है ज़्यादा हो गया, 5.6 से ज़्यादा हो रहा है, तो दूसरा इन्वर्टर लेकर आओ, उसके साथ कनेक्ट कर दो, इसमें पैरेलल ऑपरेशन भी है। इसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये DC-DB बॉक्स है, इसमें सोलर MC भी दिया हुआ है और एक DC-SPD दिया हुआ है। ये DC-DB बॉक्स है जिससे कि हमारे सोलर वायर कनेक्ट होते हैं। ऊपर वाला बॉक्स अगर हम देखेंगे, ये AC-DB बॉक्स है, इसमें AC का इनपुट और आउटपुट दोनों चीज़ दी हुई है। ये जो बॉक्स हैं ये जो है कंपनी की तरफ से ही दिए जाते हैं कंप्लीट करे हुए, तो इसके साथ जो है आप देखेंगे वायर्स दिए हुए हैं। ये प्लग एंड प्ले सिस्टम है, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल प्लग एंड प्ले करना है। ये सारे वायर जो है ये कंपनी से लगे हुए आते हैं, ठीक है। और ये जो MCB हमने दिए हुए हैं ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए दिए हुए हैं, जो हमने इनपुट और आउटपुट कनेक्ट करे हुए हैं उसके बाद हमने ये MCB दे रखे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये अर्थिंग वायर है, हमने अर्थिंग प्रॉपर किया हुआ है। और अभी हम इसके बाद चलेंगे पैनल की साइड में, यहाँ पर एक्चुअली जो हमने पैनल लगाए हुए हैं, यहाँ पर जो हमने पैनल दिया हुआ है ये मोनो पर्क हाफ कट सेल मॉड्यूल है, और 10 बस बार का, अभी तक 9 बस बार मॉड्यूल चल रहा था, ये हमारे पास 10 बस बार का मॉड्यूल है, और 525 वॉट पीक का एक मॉड्यूल है। हमारे पास जितने भी मॉड्यूल मिलेंगे सारे इम्पोर्टेड हैं, वर्ल्ड की जो टॉप 10 कंपनियाँ हैं, आप कभी भी इस गूगल पर सर्च करेंगे तो जो वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनी आती हैं वही ब्रांड के साथ हम काम करते हैं।
तो आपको अभी हम ऊपर मॉड्यूल दिखाएंगे। 525 वाट के 8 मॉड्यूल यहाँ पर लगे हुए हैं। इस इन्वर्टर की सबसे खास बात क्या है, ये हमने यहाँ पर क्यों लगाया हुआ है? सबसे पहली चीज़ क्या है, इसका पावर फैक्टर ऑलमोस्ट 1 है। 5.6 किलो वाट है तो ये 5.6 किलो वाट का लोड उठाने की कैपेसिटी रखता है। इसका जो सर्ज कैपेसिटी है वो 200% का है। जैसे कि आप हैवी लोड चलाना चाहते हो, 5 HP की अगर मोटर इससे चलाना चाहते हो या सिंगल फेज में, तो ये 200% तक का सर्ज ले जाएगा, ट्रिप नहीं करेगा। तो जितने भी आपके घर हैं या आपको, जैसे इस इन्वर्टर पे हमने कल टेस्ट किया था, ये कल हमने लगाया था, इस इन्वर्टर पे हमने 1.5 टन के 3 AC चलाए थे, तो ये बड़े आसानी से हैवी लोड्स जो हैं आपके, वो सारी चीज़ों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। इस इन्वर्टर से आपको लोड की जो डिमांड है वो कभी परेशानी नहीं आती है, आप अपने घर के सारे इक्विपमेंट्स इससे चला सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है, इस इन्वर्टर में सबसे बढ़िया बात है कि इसका आउटपुट हमेशा 230 वोल्ट ही मिलेगा आपको, तो हमारे इक्विपमेंट की जिससे लाइफ बढ़ जाती है, इस इन्वर्टर में फ्लक्चुएशन नहीं आती है। तो फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ इन्वर्टर के बारे में तो सब कुछ बता ही दिया है, तो अब चलते हैं छत पे, और छत पे चलने के बाद जो स्ट्रक्चर है इसका यहाँ यूज़ किया गया है और किस तरीके से लगा हुआ है और जो उनका सोलर मॉड्यूल लगा हुआ है वो भी आपको दिखाने वाले हैं। फाइनली फ्रेंड्स, हम आ गए हैं छत पे। यहाँ पे क्या है कि ये सोलर मॉड्यूल जो लगा हुआ है हाफ कट है और उसके बाद 10 बस वायर है। तो अभी क्या कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मार्केट में अभी तक क्या है कि 9 बस वायर तक का सोलर मॉड्यूल मिलता था, बट अब ये है 10 बस वायर का सोलर मॉड्यूल। तो अभी क्या ना, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये आप इसमें काउंट कर सकते हैं कि यहाँ जो ये सोलर मॉड्यूल का सेल है, इस पे 10 बस वायर है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस वायर का हाफ कट सोलर मॉड्यूल है और ए ग्रेड का हाई एफिशिएंसी लेवल सोलर मॉड्यूल है। इसकी जो हाइट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स।